बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीमित समय के लिए मैं आप लोग के बीच में हूँ, चिंता मत करिएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रकार के विषय पर आप सभी के सामने बात रखेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। एक शर्त यह है कि इतनी बड़ी संख्या यहां है, इतनी ही बड़ी संख्या बाहर भी पंडाल में। तो एक बार हम सब मिलकर नारा लगाएं, मेरा साथ दीजिए और दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर सभी एक स्वर में बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्वास हो गया, आज के राजनांदगांव लोकसभा के हमारे इस नामांकन रैली और जनसभा में हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय, सहज, सरल ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी हम सबके बीच है। करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें। और लगातार पिछले विधानसभा चुनाव और उसके एक साल पहले से और अभी लोकसभा चुनाव में, पहले सह प्रभारी थे, अभी हम सभी को प्रभारी के दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव के प्रभारी भी, और बिहार शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबके बीच उपस्थित है आदरणीय नितिन नवीन जी। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें सब। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहु जी, हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, नारायण चंदेल जी, अशोक शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेश मूढ़त जी, जिला के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मंत्री मधुसूदन जी, जिला के अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, भूपेन्द्र सविनी जी संभाग के प्रभारी, अभिषेक सिंह जी पूर्व सांसद, बिल्कुल आपका नाम लूंगा, एक बार खड़े हो जाइए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देख रहे थे, मैं बोले नाम सभी, भावना जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय राजेश मूढ़त जी, हमारे नहीं नहीं ये तो इन्हीं के लिए तो नामांकन रैली है, इसलिए मैं इनको आगे बुला रहा हूं। लगातार संगठन में भी लगातार विभिन्न दायित्व में काम किए, वर्तमान में सांसद, आने वाले समय में फिर सांसद, आदरणीय संतोष पांडे जी के लिए करतल ध्वनि से ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बार बार महामंत्री जी घड़ी देख रहे थे और वास्तव में बहुत धूप है, काफी देर से बैठे हैं आप लोग ने, बड़े वरिष्ठ वक्ताओं का मार्गदर्शन भी सुना है, लेकिन दो अंतर आप लोग करिएगा जरूर। ये धूर्त, निकम्मी, अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये 5 साल की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। और ये 90 दिनों में आपके विश्वास पर, छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान है। कहीं देखा है आपने पूरे देश में ऐसी सरकार जो सरकार बनने के बाद सिर्फ 90 दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव में जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 3,100 में किसानों को प्रति क्विंटल धान खरीदने का, आप लोगों ने मांगा नहीं था, 2 वर्ष की बोनस की राशि आपके खाते में, हमारी मातृशक्तियों में महतारी वंदन 1,000 रुपया प्रति महीना 12,000 साल में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने वचन लिया, शपथ ली, एक शपथ उन लोगों ने लिया था चुनाव के पहले पिछले, गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम गंगा जल का अपमान किया था, किया था कि नहीं किया था? एक हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लिया इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की जो सबसे बड़ी योजना है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी हितग्राहियों को जब तक उनके घर में नहीं पहुंचाने का काम करूंगा तब तक मुख्यमंत्री निवास में कदम नहीं रखूंगा, ऐसा प्रण निभाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हितैषी सरकार, पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी बातों का आपके सामने रखेंगे। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं,
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, मेरे साथ फिर स्वर देंगे, फिर इस बार नहीं 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 नहीं, दोनों हाथ उठाइए, और बाहर के पंडाल वाले हाथ उठा रहे हैं, आप लोग नहीं उठा रहे हैं, फिर इस बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, यही निवेदन करने आपके बीच में आया। आदरणीय संतोष पांडे जी को अपना अमूल्य सहयोग भी प्रदान करें, अपना मत भी प्रदान करें, प्रेम आशीर्वाद दया मया छत्र छाया सुरक्षा कवच प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद।